नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। सर, अभी गर्मी इस तरीके से पड़ रही है कि जो लोगों का जीना जो है मुहाल हो गया है, और 55 सालों का कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुगर के पेशेंट की अगर बात करें तो शुगर के पेशेंट को क्या खतरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गर्मियां बढ़ी हैं जिसकी वजह से शुगर के लोगों की जो मरीज़ है उसकी उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले तो रिया ये सोचना होगा कि अगर शुगर के मरीज़ हैं तो एक चीज़ है कि शुगर के मरीज़ों में इम्यूनिटी पावर, वल्नरेबिलिटी जो उनकी जो है काफ़ी बढ़ जाती है किसी भी बीमारी के प्रति। तो जैसे शुगर के मरीज़ अगर हैं तो उनको जो हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन का खतरा बढ़ जाता है, और ख़ास करके मरीज़ अगर 60 के ऊपर के हैं या 65 के ऊपर के हैं, उन पर विशेष तवज्जो और सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि और शुगर परसे में क्या दिक्कत हो सकता है, अगर अकेले शुगर की बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपको पसीना चला, और आप देख ही रहे हैं किस तरह का पसीना के आलम है। 10 मिनट में आपके सारे जितने भी परिधान हैं वो सब पसीने से तर बतर हो जाएंगे, उसके साथ सोडियम निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि शुगर का, जब पानी की कमी हो जाएगी, शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, और इसमें इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन जल्दी बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग इंसुलिन पे हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया का डर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो इंसुलिन इंजेक्शन में दो बातें हैं, या तो आप स्टोरेज ठीक से अगर नहीं हो रहा है, हीट में कहीं इंसुलिन हो गया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर इंसुलिन आपने लिया और वो बहुत जल्दी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसमें ब्लड शुगर घटने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बात जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि गर्मी के दिनों में जनरली सलाह दी जाती है कि आप बाहर न निकलें, एक्सरसाइज न करने जाएं, और हम लोग भी सलाह देते हैं, डॉक्टर की सलाह भी रहती है कि अगर एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, खास करके 65 के ऊपर के लोगों को, और जो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको बाहर नहीं निकलना है, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाता है। यानी कि आपके फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है, खाना आप उसी तरह से खा रहे हैं, तो ब्लड शुगर आपका बढ़ना शुरू होता है। तो आपको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका ब्लड शुगर घट सकता है, और डायबिटीज़ की वजह से और सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को, और ख़ास करके डायबिटीज़ का मरीज़ अगर 65 के ऊपर का है, उस पर विशेष सावधानी की ज़रूरत है। ऐसे मौसम में, जो ऐसा मौसम जो आप कह रही हैं 55 साल के बाद, एक कहर ढाने वाला मौसम समाज में आया है। सर, तो जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात करें, आपने जिक्र भी किया कि इसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी है कम हो जाती है, दवाइयों का रोल इस समय अभी कितना होना चाहिए? दवाइयों का रोल है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं सजग रहिए, हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम्स जो है, जैसे मान लीजिए चक्कर का आना, घबराहट होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सब अगर है तुरंत सचेत हो जाइए। तो इस कंडीशन में आपको अगर हाइपो है तो उसमें आपको तुरंत थोड़ा बहुत आपको शुगर और ग्लूकोज लेना पड़ेगा। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बिल्कुल मत अपनाइए। अगर बाहर आप नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर भी थोड़ा शरीर के मूवमेंट को बनाए रखिए, शरीर को शिथिल, गर्मी के नाम पर, गर्मी के बहाने से शरीर को पूरी तरह से शिथिल बना देना डायबिटीज़ को और एग्रेवेट कर देना है, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को आमंत्रण देना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, घर के अंदर भी मूवमेंट बनाए रखिए, ब्लड शुगर को बराबर जांच कराते रहिए, और उसी के अनुसार अपनी दवाइयों को रेगुलेट करते रहिए। सर, इस दरमियान अगर कोई बाहर गया है, शुगर का मरीज़, अचानक से शुगर बढ़ जाता है और अचानक से ये सारी समस्याएं हो जाती है, तो तत्काल में उस समय वो क्या कर सकता है? तत्काल उसमें यही करना है कि आप डाइट कंट्रोल तो आप कर ही रहे हैं, और साथ में एक जो डॉक्टर जो आपके जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन हैं उनसे सलाह लेकर के दवाइयों के डोज में थोड़ा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार इस बात को आपको ताकीद कर रहा हूँ कि शुगर कंट्रोल रहना इस गर्मी के मौसम में निहायत ज़रूरी है, न शुगर को बढ़ने देना है न शुगर को घटने देना है। जी, तो शुक्रिया सर जो आपने जानकारी दी है कि शुगर के मरीजों के लिए जो गर्मी है कितना खतरनाक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी।
तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि जिस तरीके से गर्मियां बढ़ी हैं, उस गर्मियों में जो है शुगर के मरीजों की परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, वीडियो देखने के